दोस्तों, आपने ऐसे कई बंगलों और रेलवे स्टेशन के बारे में सुना होगा जो हॉन्टेड माने जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक पूरी की पूरी ट्रेन ही हॉन्टेड साबित हुई। मतलब ये कि एक रेशमी ट्रेन जो अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हमेशा के लिए गायब हो गई। यह समय 1911 का, जब इटली की जेनेटी कंपनी ने एक ट्रेन का निर्माण किया। यह यूं कहें कि उसने अपनी ट्रेन का एक नया मॉडल बनाया था जो यात्रियों को लग्जरी सुविधा देने के साथ साथ जल्दी अपने मंजिल तक पहुंचा सकता था। जेनेटी कंपनी ने यह अनाउंसमेंट किया कि वह ट्रेन अपनी पहली यात्रा में 100 लोगों को फ्री राइड देगी। ट्रेन में खाने पीने के सामान के साथ साथ और भी कई सुविधाएं मौजूद थी। गर्मियों के दिन थे कि तभी यह ट्रेन 100 पैसेंजर और 6 रेलवे स्टाफ मेंबर को लेकर रोम शहर से यात्रा के लिए निकली। लोग हंसते खेलते अपना सफर एंजॉय कर रहे थे। ट्रेन को लोम्बार्ड टनल से भी गुजरना था, जिसके लिए लोग काफी एक्साइटेड थे क्योंकि वह टनल उस टाइम का सबसे बड़ा टनल था जिसकी लंबाई करीब आधी मील थी। लेकिन जैसे ही यह ट्रेन लोम्बार्डी माउंटेन के पास पहुंची, कुछ अजीब सा घटने लगा। इससे पहले कि ट्रेन टनल में जाती कि तभी ट्रेन के 2 पैसेंजर बाहर कूद गए और ट्रेन उन्हें छोड़कर टनल में चली गई। इसके बाद जो हुआ वह इटली का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया। दरअसल ट्रेन टनल के एक तरफ से दाखिल तो हुई, लेकिन दूसरी तरफ से बाहर ही नहीं निकली। बाहर खड़े रेलवे स्टाफ के लोग हैरान हो गए क्योंकि ट्रेन बाहर ही नहीं निकली थी। इसके बाद इस ट्रेन की काफी खोजबीन की गई, लेकिन इस ट्रेन का कोई भी नामो निशान तक नहीं मिल पाया। ट्रेन की जांच के लिए कमेटी टीम भी बनाई गई थी और जिसने ट्रेन को देखा था उनसे पूछताछ की गई। कुल मिलाकर नतीजा यही निकला कि लोम्बार्ड टनल तक जाते हुए इस ट्रेन को सबने देखा, लेकिन उसके बाद उस ट्रेन को किसी ने भी नहीं देखा था। इस हादसे के कुछ दिन बाद 2 लोग सामने आए जो मैक्सिको के रहने वाले थे। उन दोनों का ये दावा था कि वो भी उसी ट्रेन के पैसेंजर थे। ट्रेन से 2 लोग जो कूद गए थे ये वही थे। उन्होंने बताया कि टनल में दाखिल होने से पहले ट्रेन में एक जोरदार आवाज सुनाई दी और चारों तरफ धुआं सा छा गया था और उन दोनों को ट्रेन में कुछ गड़बड़ी लगी जिस कारण वो लोग ट्रेन से कूद गए थे। कुछ दिन बाद मैक्सिको के एक डॉक्टर की बात सामने आई जिसका मानना था कि इस एक्सीडेंट के बाद उसके क्लिनिक में 104 लोग आए थे और उनकी भी कुछ मानसिक स्थिति खराब थी और उन लोगों ने भी किसी ट्रेन के एक्सीडेंट के बारे में जिक्र किया था। ऐसा माना जाता है कि ये लोग भी वही लोग होंगे जो ट्रेन से लापता हो गए थे। हालांकि टनल में जाने के बाद ट्रेन के साथ क्या हुआ ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है।